ये बड़ी खबर आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। देर शाम किस तरह से एक 52 वर्षीय किसान जिसका नाम प्रदीप है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। करनाल के गरोंडा के जमालपुर गांव से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच जाती है। ये आप देख सकते हैं गरोंडा थाना प्रभारी नसीब सिंह मौके पर है, फोरेंसिक टीमें मौके पर है और सुसाइड नोट भी जो मृतक किसान है उसने छोड़ा है, जिसमें अपनी भाई और भाभी को मौत का जिम्मेवार बताया है। उनकी प्रताड़ना से तंग आकर वह आत्महत्या कर रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और सुसाइड नोट इस समय आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमें देखती हुई नजर आ रही है, उसको पढ़ती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें करनाल के गरोंडा की है, गरोंडा से थाना प्रभारी मौके पर है, फोरेंसिक टीमें मौके पर है। गरोंडा के जमालपुर गाँव का ये मामला आप देख सकते हैं। ये एक सूचना हमें प्राप्त हुई है इसमें जमालपुर गांव से कि एक हैंगिंग का केस है, जिसमें बताया गया था कि सुसाइड किसने किया है जी। तो इस पर हम मौके पर आए हैं, जिसमें पता चला है कि कोई प्रदीप सन ऑफ पूर्ण सिंह जिसकी उम्र 54-50 साल है उसने सुसाइड किया है जी। और उसकी कार्रवाई हमने FSL की टीम को बुला रखा है और FSL टीम अपनी कार्रवाई कर रही है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई। आत्महत्या कुछ कारणों का पता लगा, कुछ बात सामने आई है? अभी सुसाइड नोट प्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में हम वेरीफाई करेंगे, तस्दीक करेंगे उसके बाद। नहीं, कुछ भाइयों में आपस में लेने देना था, इससे परेशान था, दरख्वास्त भी दे रखी थी पुलिस की, सुसाइड नोट में पढ़ा हुआ आपने, परेशान था भाइयों से, परेशान था, आपस में था इनका मैटर लेने देना। तो कितनी उम्र थी इसकी? इसकी 50 के आसपास होगी, 50-52। खेती करते थे? हाँ, खेती करते थे। पुलिस आ गई थी मौके पे? आ गई थी पुलिस, FSL भी आ गई थी। सुसाइड नोट भी कोई मिला है? हाँ जी, नहीं मिला है।